बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये सिंगल कलर का डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 2 के मल्टीपल से फंदे चाहिए और 4 सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट होता है और डिजाइन हमारा उल्टी साइड से शुरू होता है। तो बॉर्डर बुनने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप सीधी साइड है तो एक सिलाई सीधी बुन लें और उल्टी साइड है तो यहीं से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। पहला फंदा ऐसे बिना बुने उतारना है और धागा अपनी तरफ रहेगा और जो ये दो फंदे हैं इन दो फंदों पर डिजाइन बनाना है। तो इन दो फंदों के पीछे से हमें एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है, ऐसे एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है। तो हमारे पास ये एक फंदा बढ़ गया। फिर यहाँ हमें सिलाई में ऐसे धागा लपेटना है तो फिर हमारे पास ये दो फंदे एक्स्ट्रा हो गए हैं और इन दो फंदों के को हमें बैक साइड से 2 का 1 कर देना है। तो हमारे पास ये दो फंदों के 4 फंदे हो गए, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ किया, इन्हीं दो फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ किया और दो फंदों के पीछे से ऐसे एक एक्स्ट्रा फंदा लिया, फिर धागे को सिलाई पे लपेट के और इन दो फंदों को बैक साइड से 2 का 1 कर देना है। फिर धागा अपनी तरफ किया, दो फंदों के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया, तो हमारे एक फंदा ये इधर बढ़ गया और एक ये बढ़ गया, दो फंदे बढ़ गए, 2 के 4 फंदे हो जाएंगे। फिर हमें धागा लपेटना है और इन दो फंदों को ऐसे 2 फंदों का 1 कर देना है। तो इसी तरह हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। धागा अपनी तरफ करके दो फंदों के पीछे से एक फंदा लिया और फिर धागे को सिलाई में लपेटना है और 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदों के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया, फिर धागा ऐसे लपेटा सिलाई में और इन दो फंदों को हमें 1 करना है। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदों के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और ये धागा लपेटा, फिर 2 फंदों का बैक साइड से 1 फंदा करना है। तो इसी तरह सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। धागा अपनी तरफ, इन दो फंदों के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया तो ये हमारे पास 2 फंदे हो गए, एक ये जाली से और एक ये एक्स्ट्रा फंदा। फिर हमें एक फंदा यहाँ धागे लपेट के लेना है तो 3 फंदे हो गए और एक बार 2 फंदों को फिर से बुन देना है तो ये 4 फंदे हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। और धागा अपनी तरफ और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देना है। अब सीधी साइड है, पहला फंदा है एज का फंदा, ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमें ये दो फंदे ऐसे उभरे हुए दिख रहे हैं इन्हें हमें ऐसे 2 फंदों में सिलाई डालनी है और इन 2 फंदों को सीधा बुन देना है, फिर इनको ऐसे गिरा देना आगे लाके और जो ये 2 फंदे हैं फिर इन्हें 2 फंदों का 1 कर देना है। तो हमारे पास फिर 4 फंदों से 2 फंदे हो जाते हैं। पिछली सिलाई में हमने 2 फंदों के 4 फंदे बनाए थे तो इस सिलाई में ये हमारे पास फिर 2 फंदे हो जाते हैं। वापस फिर से जो 2 फंदे दिख रहे हैं इन 2 फंदों को ऐसे बुनना है और ऐसे गिरा देना है, फिर 2 फंदे बचे इन्हें 2 फंदों का 1 कर देना है। ऐसे ही पूरी सिलाई में हमें रिपीट करते जाना है। इन 2 फंदों को जो ऐसे दिख रहे हैं अलग से, इनको ऐसे सिलाई डाल के 1 फंदा बनाया और फिर इनको ऐसे गिरा दिया और 2 फंदे बचे इनका 2 का 1 कर देना है। फिर इन 2 फंदों को ये 2 फंदों को ऐसे बुनना है एक साथ और ऐसे गिरा देना है, फिर ये 2 फंदे इन 2 फंदों को बैक साइड से 1 कर देना है।
दो फंदों को एक साथ बुना, फिर ऐसे गिरा दिया आगे लाके, और फिर दो फंदों का एक कर देना है। फिर ये जो दो फंदे दिख रहे हैं हमें, ये आगे दिख रहे हैं जो, इन्हें ऐसे दो फंदों का एक किया और ऐसे गिरा दिया। फिर ये दो फंदे बचे, इन्हें दो का एक कर देना है। चार फंदों में से हमें दो फंदे जो हमें ऐसे दिख रहे हैं ये अलग से, इन्हें पहले बुनना है, दो का एक करना है और फिर इन्हें ऐसे गिरा देना है। फिर दो फंदे बचे तो इन्हें दो फंदों का एक कर देना है। एक ये फंदा और एक ये फंदा, ये दो फंदे, एक ये और ये, इन दो फंदों को एक साथ बुनना है और फिर ऐसे गिरा देना है। फिर इन दो फंदों को पीछे से लेके ऐसे बुन देना है। ये दो फंदे हैं, ये और ये दो फंदे, इनको ऐसे आगे से सिलाई डाल के दो फंदों का एक करना है। अब ये जो दो फंदे बचे हैं इनको पीछे साइड से दो का एक कर देना है, और ये लास्ट में एक फंदा बचा इसे सीधा बुन देंगे। तो इस तरह हमारी ये डिजाइन की दो सिलाइयां यहाँ कंप्लीट हुई। अब डिजाइन की तीसरी सिलाई है, तो पहला फंदा बिना बुने उतारा और पूरी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेनी है। डिजाइन हमारा दो सिलाइयों का है और दो सिलाइयां एक उल्टी और एक सीधी बुननी है। आप इस डिजाइन को दो रंग से भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। अगर आप जेंट्स स्वेटर में डाल रहे हैं तो सिंगल कलर से ही बनाएं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मल्टी कलर या डबल कलर में बना सकते हैं। बात ये सीधी साइड चौथी सिलाई में, चौथी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा और सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये सिलाई पूरी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारी ये चार सिलाइयां यहाँ कंप्लीट हो गई और हमारा डिजाइन भी यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर आप डबल कलर या मल्टी कलर से बना रहे हैं तो चौथी सिलाई के बाद पांचवी सिलाई में उल्टी साइड से कलर्स चेंज करके डिजाइन शुरू करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, चार चार सिलाइयां बनाने के बाद हमारा डिजाइन ऐसे दिखता है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।